ओके बच्चों, अ फनी थिंग फॉर हैन टू डू, या मुर्गियों के करने के लिए बहुत ही विचित्र चीज है. ओके सो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज है हमारा 22 पे. द बुल इज टेम. टेम का मतलब होता है बच्चों बस में होना या शांत होना. ओके बैल शांत हैं एंड लाइक्स टू प्ले एट हाइड एंड सीक अमंग द हे. ओके और हाइड एंड सीक का मतलब होता है बच्चों लुका छुपी, एंड हे का मतलब होता है घास या भूसों में. ओके तो द बुल इज टेम, बैल यहां पर शांत है, एंड लाइक टू प्ले और खेलते हैं द हाइड लुका छुपी खेलते हैं घास के मैदानों में. ओके सो आई वुड नेवर कम टू हार्म, जिससे कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. इफ आई कुड लिव ऑन द ऑन मडल फार्म, अगर मैं यहाँ मडल फार्म या फिर स्ट्रेंज खेत में या विचित्र खेत में रहने के लिए आऊं. ओके सम टाइम आई ड्रीम दैट आई एम देयर, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं वहां हूँ. एंड सीप्स आर फ्लाइंग एवरीवेयर, और भेड़ हर जगह उड़ रही हैं. ओके आई ड्रीम आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, मैं सपने देखता हूँ कि मैं सर के बल खड़ा हूँ. बट रियली आई एम स्लेप्ट इन बेड, लेकिन वास्तव में मैं बेड पर सोता हूँ या सो रहा हूँ. ओके सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बैल का फिगर बना हुआ है, ये भेड़ है जो कि हवा में उड़ रही है, एंड ये आदमी है जो सर के बल खड़ा हुआ है. ओके एंड लास्ट आई एम स्लेप्ट इन बेड, जबकि वास्तव में दिस इज द रियलिटी, ये सपना देख रहा है. ओके सो नाउ We are going to work on the world meaning. Okay, बच्चों so यहाँ पे कुछ word meaning दिए हुए हैं, तो चलिए हम world meaning को explain करते हैं. Muddle town. Muddle town means a town where everything is in the wrong order. Muddle town का मतलब होता है कि strange place, a town जहाँ पे सब कुछ एक गलत दिशा में है. Okay. Next है हमारा बच्चों waddle. वेडल का मतलब है मूविंग टू एंड फ्रो ऑन लेग्स. वेडल का मतलब होता है बतख की चाल. ओके वेडल का मतलब होता है बतख की चाल. एंड नेक्स्ट है हमारा बच्चों वेक. वेक का मतलब होता है टू बिकम एक्टिव, या इसका हिंदी में एक्सप्लेन होगा जागना या जगाना. ओके वेक. एंड डकलिंग्स. डकलिंग का मतलब होगा यंग वंस ऑफ डक, मतलब बतख के बच्चे. बतख के बच्चों को हम डकलिंग्स बोलते हैं. ओके एंड लास्ट है हमारा फनी. फनी का मतलब होता है विचित्र या मजेदार, फुल ऑफ फन एंड ह्यूमर. ओके इसका मतलब होगा मजेदार या हास्यास्पद. ओके बच्चों सो ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखनी है. ओके सो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. हमारा जो है कॉम्प्रेशन एक्सरसाइज है, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके सो वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, वर्ड मीनिंग के बाद लिखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर पे मूव करेंगे. सो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या एवरीवन विल लाइक दिस इन अवर योर कॉपी. आप हेडिंग डालिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके देन आप क्वेश्चन लिखना शुरू करिए. हाउ डू द ट्रीज ग्रो इन द फार्म नियर मडल टाउन. ओके सो आंसर होगा हमारा बच्चों द ट्रीज ग्रो अपसाइड डाउन इन द फार्म नियर मडल टाउन. ओके पेड़ उल्टे उगते हैं या उल्टे बड़े होते हैं खेत में जो मडल टाउन के नजदीक है. ओके क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डू द पिग्स एंड देयर पिगलेट्स स्पीक इन द फार्म. ओके सुअर और उनके बच्चे खेत में कैसे बोलते हैं. ओके तो हमारा आंसर होगा द बिग पिग्स स्क्वील, बड़े सुअर चिल्लाते हैं, एंड द पिगलेट्स ग्रंट इन द फार्म, और सुअर के बच्चे ग्रंट की आवाज करते हैं या घुरघुर की आवाज करते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों हमारा, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स आर द डकलिंग्स डूइंग.
वो कौन सी विचित्र चीज़ है जो बतख के बच्चे करते हैं? आंसर होगा हमारा द डकलिंग्स वैडल इन डक्स वेक। डकलिंग्स बतख के बच्चे बतख की चाल को चलते हैं, ओके, या उनकी तरह चलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द बुल बिहेव इन द मडल टाउन। बुल कैसा बिहेव करते हैं मडल टाउन में? ओके, आंसर होगा हमारा द बुल बिहेव्स वेरी टेम। बुल बहुत ही शांत बर्ताव करते हैं एंड लाइक्स टू प्ले एट हाइड एंड सीक एमंग द हे इन द मडल टाउन, और लुका छिपी का खेल खेलते हैं उस मडल टाउन में। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फॉर एनी क्वेरी अबाउट योर सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स ऑन योर स्क्रीन, एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्कूल यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। ओके, सो बच्चों कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर स्कूल यूट्यूब चैनल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।